दिल दहलाउण वाली खबर पठानकोट जलंधर हाईवे तो सामने आई, जिथे मलिकपुर चौंक नज़दीक तीन बाइक सवार नौजवानों किसी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इन्नी खतरनाक सी कि तिने नौजवानों की मौके पर मौत हो गई। उधर टक्कर मारन वाला वाहन समेत मौके तो फरार हो गया। मुंडे नौजवान जो कि हादसे में सड़क हादसे में मारे गए हैं। ये चौंक जिन्हों खूनी चौंक भी कहा जाता है, इत्थे कोई भी किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इस चौंक में ना तो कोई लाइट लाई गई है प्रशासन द्वारा, ना ही इस चौंक में कोई इदा का इंतजाम किया गया कि ट्रैफिक कंट्रोल की जाए। पता चलिया कि किधर से सीधे बच्चे ते किधर नाल एक्सीडेंट है? ये साढ़े 50 नंबर वार्ड च पैंदे पिंड सरने के तीन नौजवान ने जो कि बाइक पर आ रहे थे अपने निजी काम तो, एक कोई वाहन निजी वाहन ही इन्हों टक्कर मार के घायल कर गया, तो जिस में इन्हों की मौत हो गई। तीन जने से मोटरसाइकिल से स्पलेंडर इन्हों तो कोई अणपछाता वाहन इन्हों टक्कर मार गया, जेडे तिने जड़े मौके पर डेड हो गया। इन्हों डेड बॉडिया लैके अं सरकारी हॉस्पिटल पठानकोट पहुंचे। तो पहचान नहीं हुई? पहचान इन्हों के वारसा है जी, लिख रहे उन्होंने बयान वगैरह जो भी है। कितों के आगे जी रहने वाले? ये जी अपने सरने के लागे छागे दी है। कितने जी एक्सीडेंट होया? ये होया जी अपने गोल चौंक। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।